क्या ये यूट्यूबर्स खत्म होने वाले? इस आदमी ने गूगल पे ऐसा क्या सर्च किया कि गूगल ने इसके घर पे ही अवार्ड भेज दिया। 18 अगस्त को ऐसी क्या चीज होने वाली है जिससे आपको लगेगा कि आप रियल लाइफ में गेम खेल रहे हो? और टार्ज़न द वंडर कार की मूवी के बाद इस फेमस कार का क्या हुआ? वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 25, इस आदमी को गूगल यूज करने पर अवार्ड मिला। कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक आदमी दिखा रहा है कि उसको गूगल ने अवार्ड दिया क्योंकि उसने कुछ ऐसा सर्च कर दिया जिसे उससे पहले किसी ने सर्च नहीं किया था। इस आदमी के पास एक या दो नहीं बल्कि 5 अवार्ड्स है। पर क्या सच में गूगल ऐसा करने पे आपको अवार्ड्स देगा? मेरी माने तो बिल्कुल नहीं। दरअसल ये अवार्ड्स बिल्कुल फेक थे और इसे यूजर ने खुद बनवाया था ताकि वो इनका इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस वायरल कर सके। नंबर 24, ये आपको शॉक करके रख देगा कि हमारी बॉडी में इतना खून है कि वो हमारे वेट का 7% बनाता है। यानी कि अगर आप 60 kg के हो तो आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट 5 kg का तो सिर्फ खून ही है। बाप रे। नंबर 23, 18 अगस्त 2023 को किसी भी चीज की परछाई नहीं दिखेगी क्योंकि उस दिन 0 शैडो डे है। दरअसल ऐसा तब होता है जब सूरज एग्जैक्टली अर्थ के ऊपर आ जाता है और ऐसा हर साल में एक बार तो जरूर होता है। और इंडिया में अगला 0 शैडो डे 18 अगस्त 2023 को होगा। नंबर 22, हार्ट अटैक से बचना है तो पुशअप्स करो। जी हाँ, स्टडीज में पाया गया है कि अगर आप एक बार में लगातार 40 पुशअप कर लेते हैं तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। नंबर 2, 1 सेकंड, मैंने ये देखा कि हमारे व्यूअर्स में से बस 30% लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो क्या कर रहे हो यार? चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। और याद है ना, हमें 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स अक्टूबर से पहले करने हैं। नंबर 21, पहले के रोम के इस रूल के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके मुताबिक कोई भी फादर अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को मार सकता था, सच में भाई, और कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। हालांकि आगे चलकर इस नियम को रोम के कॉन्स्टिट्यूशन ने हटा दिया। नंबर 20, जो लोग दूसरों को हंसाते हैं वो खुद कभी भी नहीं हंसते। जी हाँ, अगर रिसर्च की माने तो कॉमेडियंस या फनी लोग एक्चुअली में काफी डिप्रेस्ड होते हैं। नंबर 19, भैया आपके लिए काफी यूजफुल चीज है। हमारी जीभ के कौन से हिस्से से हम क्या टेस्ट करते हैं? हम जीभ के आगे के हिस्से यानी टिप से मीठी चीजों को टेस्ट करते हैं। सॉल्टी और पंजेट चीजों को जीभ के बीच वाले हिस्से से टेस्ट की जाती है और जितने भी कड़वी चीजें होती हैं उन सबको हम जीभ के पिछले हिस्से से टेस्ट करते हैं। नंबर 18, आज भले ही दुनिया भर के लोग एक दूसरे से लड़कर मर रहे हो, आज भले ही लोग शांति से नहीं जी पा रहे, लेकिन एक रिसर्च के हिसाब से हम ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पीसफुल टाइम में जी रहे हैं। अब आप ही सोचिए, ये अगर सबसे पीसफुल टाइम है तो इससे बदतर टाइम कैसा होगा? नंबर 17, इस आदमी को बच्चों के बस में ब्रेक भरने के लिए चाइल्ड अब्यूज के चार्जेस लगाए गए। US की एक स्कूल बस का ड्राइवर अपने बस के बच्चों को सीट पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं बैठते तब वो हल्का सा ब्रेक मार देता है और कहता है, देखो अगर तुम सीट पर नहीं बैठते तो ऐसे ही गिर सकते हो। लेकिन उन बच्चों के एक पेरेंट ने इस चीज की कंप्लेंट कर दी और उस ड्राइवर पर चाइल्ड अब्यूज के चार्जेस लग गए जिसकी सजा US में 1 साल की होती है। भाई बैठे बैठे लेने के देने पड़ गए। नंबर 16, अगर हम अर्थ की हिस्ट्री को 24 घंटे यानी कि एक दिन के फॉर्मेट में सेट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। अर्थ के क्रिएशन के बाद यहाँ पर लाइफ सुबह 4 बजे शुरू होगी। लैंड और प्लांट्स की ग्रोथ रात के 10:24 पर शुरू हुई होगी। डायनासोर रात के 11:41 पर एक्सटिंक्ट हुए होंगे। और रही बात ह्यूमन हिस्ट्री की, तो रात 11:58:43 पर शुरू होगी। यानी भाई ह्यूमन हिस्ट्री बस 1:17 की है। नंबर 15, अब तक गंगम स्टाइल गाने के ऑफिशियल वीडियो को लगभग 4.7 बिलियन बार देखा जा चुका है। आसान भाषा में समझा जाए तो इस वीडियो को देखने में ह्यूमन लाइफ के 13,000 साल लग गए हैं। क्या आपने इस वीडियो को देखा है? और देखा भी है तो कितनी बार? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 14, एलियंस अर्थ पर हमला कर सकते हैं। USA के स्पेस फोर्स चीफ ने कुछ दिनों पहले ही एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत जल्द हमारी धरती पर एलियन अटैक कर सकते हैं। पर अभी ये कितना सच है वो तो एलियंस ही जाने, क्योंकि ऐसा पहले भी बहुत लोगों ने बोल दिया है कि एलियंस तब आएंगे अब आएंगे, पर कोई भी आता ही नहीं। नंबर 13, किम कार्डेशियन ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक ऐसी फोटो डाली जिससे पूरे इंटरनेट पर तहलका मच गया, वो भी बस इस सिंक को लेकर। उन्होंने एक वीडियो में अपने सिंक को दिखाया था, पर लोगों ने नोटिस किया कि वो सिंक कितना अजीब है। तो बस उनका सिंक कैसे काम करता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए उनको अलग से ही सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा। नंबर 12, दिल्ली में एक ऐसी एम्बुलेंस है जो बीमार इंसान का नहीं बल्कि बीमार पेड़ का इलाज करती है। इस एम्बुलेंस की शुरुआत 2009 में हो गई थी, लेकिन अभी भी कई लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। नंबर 11, इस लड़की ने लाखों लड़कों का दिल तोड़ा है। दरअसल फोटो में दिख रही ये लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती बल्कि ये तो AI जनरेटेड कैरेक्टर है जिसका नाम है क्लाउडिया। अभी कुछ दिनों पहले ही साइबर पुलिस ने इस बात का खुलासा किया, इन फोटोज का इस्तेमाल करके एक रेडिट यूजर लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहा था, जिसका पता चलते ही उसके
अकाउंट को बैन कर दिया गया। नंबर 10, आपको लगता होगा कि पहले के लोग तो इवॉल्व हो गए और अभी एवोल्यूशन स्टॉप हो गया होगा, पर भाई रिसर्चर्स ने बताया कि ह्यूमन डीएनए से और भी करीब 8 मिलियन जीन्स अपने आप को म्यूटेट कर रहे हैं, यानी आने वाले समय में ह्यूमंस का और भी एवोल्यूशन होगा। नंबर 9, एयरप्लेन्स में एस्ट्रे क्यों रखा जाता है? एस्ट्रे मतलब जिसमें सिगरेट को रखते हैं। हम सब जानते हैं कि प्लेन में स्मोकिंग करना बैन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी प्लेन्स में एस्ट्रे होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाय चांस अगर कोई इंसान इस रूल को तोड़े तो सेफ डिस्पोजल के लिए ये होना जरूरी है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। नंबर 8, एक पेंगुइन दूसरे पेंगुइन को जानबूझकर पानी में धक्का देती है ताकि वो जान सके कि पानी में कोई शिकारी तो नहीं। आपने कई वीडियोस में पेंगुइन्स को ऐसा करते देखा होगा, लेकिन उसके पीछे का ये इंटेंशन आपको इसके बारे में पहली बार पता चला होगा। नंबर 7, ये बर्ड अपने मुंह से ही मशीन गन चला सकती है, विश्वास नहीं होता ना, ये देखिए। इस बर्ड का नाम है शोबिल और ये बर्ड अपने जबड़े से ऐसी आवाज निकालती है मानो कोई मशीन गन चला रहा हो। नंबर 6, ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी तो आप सबने जरूर पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपको पता है इस कहानी को लिखा क्यों गया था? असल में इसकी कहानी लड़कियों के लिए लिखी गई थी ताकि वो अरेंज मैरिज से घबराए ना। इतना ही नहीं, इस कहानी के लगभग 70 पार्ट्स हैं और इन सभी पार्ट्स में से लड़कियों के शादी के बाद फेस किए गए प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा गया है। नंबर 5, आपको ये कोई गेम या मूवी का सीन लग रहा होगा, पर ये वीडियो चाइना के एक शहर की है। दरअसल ये एक स्पेशल तरह का रेनबो है जिसे स्कार्फ क्लाउड कहा जाता है। आपको बता दें कि ऐसा स्कार्फ क्लाउड रेयरेस्ट ओकेजन पर ही बनता है, यानी इसे विटनेस करने के लिए आपको बहुत लकी होना पड़ेगा। नंबर 4, अगर आपने अपने आप को यूजलेस समझा है तो इन साइन बोर्ड्स को देखिए। पहला साइन बोर्ड जो कि बाथरूम का है, जिस पर दिखाया गया है कि पॉट में कोई डाइव नहीं करेगा। दूसरा साइन बोर्ड किसी जू का लगता है, जिस पर दिखाया गया है कि कोई राइनोस पर राइड नहीं करेगा। और तीसरे साइन बोर्ड के तो क्या ही कहने, अब मैं इसको समझा नहीं सकता, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अर्जुन तेंदुलकर ने भुवनेश्वर कुमार से अपने पिता का बदला लिया। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ही सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने भुवनेश्वर कुमार को आउट करके अपना पहला विकेट लिया। ये विकेट उनके डेब्यू विकेट होने के साथ साथ एक और चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। दरअसल भुवनेश्वर कुमार ने सचिन तेंदुलकर को 0 रन पर आउट किया था और रणजी ट्रॉफी में ऐसा करने वाले एक लौते बॉलर है। यानी सीधी तरह कहा जाए तो अर्जुन तेंदुलकर ने एक तरह से भुवनेश्वर कुमार से अपने पिता का बदला ले लिया। नंबर 2, आपके जो फेवरेट यूट्यूबर हैं उनका यूट्यूब चैनल एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे अगर आशीष चंचलानी की बात करें तो वो साल में काफी कम वीडियोस डालते हैं, और आपको भी पता होगा कि वाइन वीडियो अब लोग ज्यादा नहीं देखते, और हो सकता है फ्यूचर में ये कंटेंट देखने वाले लोग और भी कम हो जाए। और ये अकेला ऐसा जॉनर नहीं है, जैसे सौरव जोशी के अभी व्लॉग्स तो सही चल रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने कंटेंट में चेंज नहीं करते हैं तो हो सकता है उनको कम व्यूज आने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी ज्यादातर ऑडियंस बच्चे हैं। लेकिन वो बड़े होंगे तो उन्हें और अलग कंटेंट पसंद आने लगेगा और व्लॉग लोग कम देखेंगे, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी के साथ हुआ था। एक टाइम पर टेक्निकल चैनल बहुत पॉपुलर था, लेकिन आज आप देख सकते हो टेक्निकल गुरुजी को कितने कम व्यूज आते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने कंटेंट में इवॉल्व नहीं करता तो चाहे वो क्रिएटर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका चैनल जरूर डेड हो जाएगा। और ऐसा ना सिर्फ फॉरेन के बड़े चैनल्स के साथ हुआ, इंडिया के भी कई चैनल्स के साथ ऐसा हो चुका है जिनके पास तो 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर 1, टार्ज़न कार फेल क्यों हो गई? आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन टार्ज़न मूवी जो है वो इस कार को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी, यानी कि आप कह सकते हो ये पूरी ही एक मूवी एडवर्टाइजमेंट था। जब इस मूवी को रिलीज किया गया था तब ये मूवी बिल्कुल पॉपुलर नहीं रही, और इसके 14 करोड़ के बजट में ये बस 6 करोड़ ही कमा पाई थी। लेकिन फिर इसे OTT पर रिलीज किया गया तब ये थोड़ी पॉपुलर हुई, लेकिन इसकी स्टोरी पूरी तरीके से किसी फॉरेन मूवी से कॉपी की गई थी और इसे बस एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाना था। पर प्रॉब्लम ये थी, ये बड़ों से ज्यादा बच्चों के बीच पॉपुलर थी, और जब इन्होंने इस कार को लॉन्च किया तो उसकी कीमत 2 करोड़ रखी गई थी, इसलिए जो इसे खरीदना चाहते थे वो भी पीछे हट गए। साथ में इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये किसी भी स्पोर्ट्स कार के मुकाबले काफी बेकार थी, और इसका प्राइस भी काफी ज्यादा महंगा था, इसलिए मुश्किल से इसके एक यूनिट को बेचा गया था, वो भी अभी मुंबई के सड़कों पर सड़ रही थी। लेकिन एक क्रिएटर ने इस कार को खरीद लिया और वो उसे मॉडिफाई कर रहा है। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आप आर्टिफिशियल आर्म और रियल आर्म में फर्क जान सकते हो? इस गेम में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर रूल बनाया गया कि यहाँ अंपायर्स को काली अंडरवेयर पहननी पड़ेगी? ये वीडियो गजब का है तो इसे अभी जाके देखो, और अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।